राजस्थान के शिक्षा मंत्री रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरवास ने कहा कि कांग्रेस के वल्लभ नगर से विधायक गजेंद्र सिंह का दुखद निधन हुआ है और उनके निधन से प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। वल्लभ नगर विधायक गजेंद्र सिंह के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सपने देखे हैं, उनको पूरा किया जाएगा। तो वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि उनकी क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। गजेंद्र सिंह सत्तावत जो हमारे यंग लीडर थे, राजस्थान के विधायक थे कांग्रेस के, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। और जिस तरह से वो बीमार हुए, बीमारी के बाद उनकी डेथ हो गई, अचानक वो चले गए। आज हम सब रघु शर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़, गिरिराज सिंह जी मलिंगा, उदयलाल जी अंजना और काफ़ी कांग्रेस के हमारे तमाम नेता वहाँ पहुँचे, विधायक पहुँचे और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ा दुख था, परिवारजनों से मिले और सबने, वहाँ के लोग जो मिले उनको सबको हम प्रॉमिस करके आए कि गजेंद्र सिंह जी ने जो वादे किए कांग्रेस से चुनाव लड़ने के बाद, जो वादे पूरे नहीं हुए, वो वादे पर पूरे करना कांग्रेस की गहलोत सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। जनता का मान और सम्मान रखना, जनता के प्रति जो उनका विश्वास था और जनता के प्रति जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने प्रॉमिस किए चुनाव के, वो सारे प्रॉमिस गहलोत सरकार पूरे करेगी और उनके जो अधूरे छोड़े हुए कानून को भी। गजेंद्र सिंह सत्तावत जी कांग्रेस पार्टी के दूसरी बार विधायक बने थे और करीब 37 दिन से वो भर्ती थे इलाज के लिए, लीवर की प्रॉब्लम थी उनके। मुख्यमंत्री जी ने 15 बार बराबर उनकी तबीयत जानी और उनके इलाज की व्यवस्था की पूरी। बहुत चिंतित थे वो खुद कि जल्दी ठीक होकर हमारे बीच में आए। गुलाब सिंह सत्तावत जी का पूरे राजस्थान में, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो चाहे हमारी अलग अलग सरकारों में, राजस्थान के विकास में, मेवाड़ के विकास में बड़ा योगदान रहा। इन्होंने भी अपने दो कार्यकाल में अपने क्षेत्र का और मेवाड़ का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अचानक वो हमारे बीच में से चले गए, ये हमारे लिए, पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।